এটা জাতীয় সড়ক নই, যেন মরণ ফাঁদ। বড় বড় গর্ত যেন মাছের চাষের উৎস। রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিনের ঠেলায় ভোগান্তির শিকার যান চালক সহ যাত্রী সাধারণ। উল্লেখ্য, আসাম আগরতলা 8 নং জাতীয় সড়ক অর্থাৎ রাজ্যের লাইফলাইন চুরাইবাড়ি থানার সম্মুখ থেকে বাগবাসা সড়ক মরণ ফাঁদে পরিণত হলেও হেলদুল নেই রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার কিংবা তার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের। উল্লেখিত পুরো সড়কের এতটুকু অংশ বাকি নয় যে এখানে গর্ত কিংবা কাদায় পরিণত হয়নি। পুকুর সমান গর্তে পরিণত হয়ে রয়েছে উক্ত সড়কের প্রায় 90% অংশ। সংস্কার কিংবা পুনরায় নতুন করে সড়কের কাজ না হওয়ার ফলে নিত্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে লরি চালকদের। বহিরাজ্য থেকে আসা এক লরি চালক জানান, তারা বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী নিয়ে রাজ্যে একবার এসে ঘুরে গেলে দ্বিতীয়বার আর আসতে চাইছেন না অনেকেই। শুধু তাই নয়, স্থানীয় অটো চালক, টুকটুক চালক কিংবা বাইক আরোহী প্রত্যেকেই একই সমস্যার সম্মুখীন। প্রায় ছোট বড় যান দুর্ঘটনা লেগে থাকে। সড়কটির অধিকাংশ জায়গায় ড্রেনের ব্যবস্থা না থাকায় সড়কের উপর জল জমে বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। সংস্কার কিংবা ড্রেন তৈরির কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না সংশ্লিষ্ট দপ্তর। চুরাইবাড়ি থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট, TV100 বাংলা। বহুত দিক্কত হয়, ক্যা বতায়ে, গাড়ি ইতনা গাড়ি পয়সা নি বজ রহা, ইতনা গাড়ি টুট জাতা হে ইস রোড পে। আর ये कहां से कहां तक कितना खराब है? ये तो मेघालय में तो बहुत बुरा हाल है। यहां पे तो बॉर्डर से यहां तक भी देख लो कितना बुरा हाल है। चुराईवाड़ी बॉर्डर से, चुराईवाड़ी बॉर्डर से यहां तक ही, मैं वही कह रहा हूं आपको, इतना रास्ता खराब है कि मैं कह रहा हूं इतना फायदा नहीं हो रहा है जितना नुकसान हो रहा है गाड़ियों का। बस गाड़ी जो अभी निकल रही है वो निकल जा रही है, वापस नहीं आएगी। तो सरकार को क्या 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 कहना चाहेंगे सरकार को? यही कहना चाहते हैं सरकार को कि यार ऐसा नहीं है, सब कुछ है, ऐसा तो है नहीं हमारा देश गरीब है या कुछ नहीं है। रास्ते को तो बनाओ, ये जो मेन रास्ता है, मेन रास्ता, इसी रास्ते पे चलना है, सबका आना जाना है, हर आदमी दुखी है इस रास्ते से, तो इसको तो बनाओ यार। इतना कितना तो दिक्कत होता है हम लोग आते जाते में? जी कितना दिक्कत होता है आपको आते जाते में? तो भाई बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है। पहले तो बॉर्डर पे तो है ही है, बाकी ये भी बहुत दिक्कत है। और एक और चीज़ है, बॉर्डर पे थोड़ी एक मशीन लगा लो जो गाड़ी चेक करेगी गाड़ी के अंदर क्या माल है। भाई कोई 2 नंबर का माल है तो उधर ही पकड़ा जाए, ये रस्सा तिरपाल खुलवाओ, ये करो, 4-4 दिन के बाद गाड़ी निकलती है वहाँ से। एक रास्ता खराब करते हैं, दिमाग खराब करते हैं, और एक वो कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? ठीक है सर, सुनील शर्मा नाम है। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? मैं तो इधर से आ रहा हूँ, गुवाहाटी से अगरतला। अगरतला जाएंगे? हाँ हाँ।